भाई काफी टाइम बाद कर्मा ने गाना डाल दिया मैन एट वर्क। क्या बात है भाई, आदमी भाई काम पे लग गए। अभी आइज ऑन द प्राइस के बाद भाई पता नहीं कोई वीडियो आया नहीं, उसका कोई वीडियो ड्रॉप नहीं किया है। अभी देखते भाई आगे क्या आने वाला है। तो अपन देखते भाई ये वाले गाने भाई अपने लिख क्या आ रहा है। तो ज्यादा चोरी करने लग सकते फिर ये कम ऑन मैन कर्मा मैन वर्क। ये दरवाजा खटखटाने का तो मेरा तो नहीं था, पर जो भी था अच्छा था भाई। इधर एक आया है, इधर एक आया। जिंदगी में स्मोक काफी ब्लंट है ना हिट दैट दिल लगी के दर्द में नहीं काम करते सीधे नाम को बस हेट करें सीधे। 12 बजे गाना 12 एक बोले मिड है बिना सुने बिना जाने ना दिमाग में जाके। भाई ये तो है भाई, जो हेटर्स लोग होते हैं ना उन लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए रहता हेट करने का। 12 बज आते ना, 12 बज के 10 सेकंड में बोलते थे भाई, स्टार्टिंग इंट्रो सुन के बोलते थे भाई मिड लग रहा है। भाई तुमको नहीं सुनना तुम मत सुनो भाई, तुमको जबरदस्ती जज करने को कौन बोल रहा है भाई, मत करो ना भाई। तुमको नहीं पसंद है निकल जाओ यहाँ से भाई। भाई फुकट का हेट फैलाना, अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलने के लिए क्यों आते लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। एक गाने को ग्रो करने में टाइम लगता है भाई, है ना। आप खाते हो पेट भरता है आपका, हजम होने के लिए टाइम लगता है ना भाई। तो You know, same चीज होती है भाई। Don't hate man, don't spread hate man. 12 बजे गाना, 12 एक बोले बिना सुने बिना जाने ना दिमाग में जाके जब करूं drop it's a feast ये खैर रात में खाते हैं making songs bro ये खैर रात कर्मा bro हम लोग को diss कर रहे हैं अब। हाँ आप लोग drop करते हम reaction बनाता हम लोग खैर रात। I know मैं overacting कर रहा हूँ। I know वो नहीं है, मैं हम लोग के लिए नहीं है ये, जो lame hip hop listeners है ना उनके लिए बोल रहे हैं। बट लोग देखते हैं कि भाई क्राउन फॉल कब होगा, मतलब मेरा डाउन फॉल कब होगा। बट मैं आइज ऑन द प्राइज ऐसी चीज लेके आऊंगा और मैं उस पर लिखूंगा अपना भाई, मेरा नाम लिखूंगा उस पर और मैं पैसे कमाऊंगा, क्योंकि आई एम द ग्रेटनेस भाई, मुझमें ग्रेटनेस भरी है। ग्रेटनेस का डाउनफॉल नहीं हो सकता भाई। कमाऊं मैं लेगेसी बनाने के लिए भाई रैप कर रहे भाई। कर्मा भाई इज नॉट यू नो मेकिंग सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग्स, इज जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स फॉर मेकिंग इज लेगेसी। कुछ लोग लेगेसी बनाने के लिए होते हैं भाई, जैसे जे कोल है वैसे ही ये। मेरे को बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस लगता है भाई, ऐसे नहीं कि मुंह पे ही लिखा है, बट जिस तरह वो रैप भी करते हैं, जिस तरह बातें भी करते हैं ना, जिस तरह उनकी डिस्कोग्राफी भी है ना, उस तरह मुझे जे कोल से बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस लगता है भाई का यार। मैं पाते लिखता अकेला पर सॉन्ग्स में सब चांस में एंड आई राइम लाइक अ किंग एंड आई फाइट लाइक अ प्रिंस और ये देख रहे हैं कब होगा क्राउन फॉल आईज ऑन द प्राइस लिखूं डाउन वर्क कम आउट और ऐसी ग्रेटनेस का कैसे होगा डाउन फॉल ये सरल जीवन बिता रहा पर इन में अकल थी कम सीन पड़ा ठंडा चाहिए हीट ला रहा समर सीजन हिट की एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन यू वर इन इट बिच दैट इज व्हाई इट वाज टनल विजन फर्क नहीं पड़ता साले एक हैं या चार हैं ये रू। ये तो एग्जी पे शॉर्ट से निकला भाई है। डीप कलसी के एल्बम में फीचर था तब देख तब जाना मैंने असली रीजन। हाँ यू आर इन दिस बिच दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टनल वी भाई कर्मा मैन दैट वाज डर्टी भाई एक तो पहले बिच वर्ड यूज किया, उसके बाद बोलता है तू है इसलिए वो टनल विजन है। माँ कसम टनल विजन तो एल्बम है, दूसरा टनल की भाई बोलने की जरूरत नहीं है अपने को। हाँ सिंगल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज द टनल आई एम टॉकिंग मतलब इज टॉकिंग अबाउट। हाँ ये टनल वही है जो सिंगल लोग को नहीं मिलता है भाई आजकल, अपने को भी नहीं। मैं नहीं बोलूँ मैं नहीं दिखाऊंगा सरल जीवन बितारा पर इनमें अकल थी कम सीन पड़ा ठंडा चाहिए हीट ला रहा समर सीजन आने वाला है एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन यू वर इन इट बिच दैट इज व्हाई इट वाज टनल विजन फर्क नहीं पड़ता साले एक हैं या चार हैं ये जॉ ड्रॉपिंग बार्स को सीरियसली ले रहे स्मार्ट हैं फेल टीवी शो के बाद फेल रैपर के बाद फेल पेडलर वेल नॉट रियली अ फ्लेक्स बबल से बाहर निकलो भाई ये लोका को भी शॉर्ट से भाई
लोका पहले एमटीवी स्प्लिट्सविल में था, वो शायद बोलते हैं फेल हो गया, उसके बाद फेल्ड एज अ रैपर एंड फेल्ड एज अ पेडलर टू, मतलब ऐसे रूमर है कि वो पेडलर थे करके वो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए और इतने साल बोल रहे इतने महीने जेल में थे। भाई बोलते इट्स नॉट अ फ्लेक्स भाई, दैट इज फेल, दैट इज अ फेल्ड फ्लेक्स, फेल वाला फ्लेक्स नहीं होता भाई कभी। कम ऑन मैन, कलेक्टिवली शॉट द रियल भाई, एक्सी और लोका, अभी आई डोंट नो आगे और किस पे आएगा भाई। ये जॉ ड्रॉपिंग बार्स को सीरियसली ले रहे स्मार्ट है, फेल टीवी शो के बाद फेल रैपर के बाद फेल पेडलर, वेल नॉट रियली अ फ्लेक्स, बबल से बाहर निकलो पहनो फकिंग लेंसेज, ये जॉब नहीं तुम्हारे लिए। ये मस्त लाइन था, बबल से बाहर निकलो पहने लेंसेस, और वीडियो में भी ऐसा फिशाई लेंस था। नाइस नाइस इंटेलिजेंट भाई, कम ऑन मैन, वीडियो से गाने को कनेक्ट किया जा रहा है, लेट्स गो क्या बात है। फेल टीवी शो के बाद फेल रैपर के बाद फेल पेडलर, वेल नॉट रियली अ फ्लेक्स, बबल से बाहर निकलो पहनो फकिंग लेंसेज, ये जॉब नहीं तुम्हारे लिए, लुक फॉर द पेंशन, दुनिया में कार जैसे गाने लेके आ रहा, नई वाइब थी बना रहा पर ये बैठ तेरी चैन से। दुनिया मकार इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द एल्बम भाई, वो पता नहीं ये गाना काफी वायरल हुआ है बट पूरा एल्बम वायरल नहीं हुआ। एल्बम कलेक्टिवली सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कर्मा की वर्सेटिलिटी क्या है। बट लोगों को भाई चाहिए डिसेस, बीफ्स, हार्डकोर रैप्स, हाँ अच्छी चीज़। अभी एमिवे का भी देख लो, एमिवे का कुछ हार्डकोर वाला गाना आता तो कितने ज़्यादा व्यूज आते, उनके रिएक्शन पर भी कितने ज़्यादा व्यूज आते। बट अभी वाला जो चल रहा है होल हार्टेडली एल्बम जो चल रहा है उसमें व्यूज़ कम है भाई, 1 मिलियन, 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलियन जाएगा भाई। ये 8-10 मिलियन वाला सीन वो शायद बाद में निकलेगा, वही वो होता है ना भाई, अभी लोग कॉन्ट्रोवर्सी ड्रामा देखना पसंद है, तो सेम गोज ही ऑल्सो। पर भाई ने एक लाइन बोली बीच में, दिस इजेंट योर जॉब, लुक फॉर अदर पेंशंस, ये भी एग्जी के लिए ना भाई, और गाने का नाम भी मैन एट वर्क है भाई। मैंने इतना ब्रेक डाउन कर लिया सही में, एक तो कर्मा भाई तो इंटेलिजेंट है बट मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रहा है, ओवर एक्टिंग हो रहा है। पेनो फकिंग लेंसेज, ये जॉब नहीं तुम्हारे लिए, लुक फॉर द पेंशन, ये मकार जैसे गाने लेके आ रहा, नई वाइब थी बना रहा पर ये बैठ तेरी चैन से, ये पोक कर रहे और सोचते इनका चांस है, उड़ता तीर ले रहे और आउट ऑफ फकिंग सेंस, गेम में कर्म सेंस से खेलते नहीं है, नाम से तान से नहीं बनते टूटे जबड़े मोटी कान से, छू भी नहीं सकते इनकी पहुंच के भारू, आस पास सांप भी सांप पे मैं और ओची मारू, आस पास मास्क नकाब है और गाने इनसे मुझे सीधे मुंह से पता चलेगा, मेरा भाई भी देखता है, मैं इतना एनिमे नहीं देखता भाई। ओरोचिमारू का सांप से कुछ लेन देन है, वो सांप जैसा रहता है पता नहीं क्या है, इसलिए आसपास सांप है, ओरोचिमारू का रेफरेंस है। छू भी नहीं सकते इनकी पहुंच के भारू, आसपास सांप भी सांप पे मैं ओरोचिमारू, आसपास मास्क नकाब बैं और गाने इन्फेक्शियस फ्लो फ्लू स्पिटिंग सिक जैसे बीमारू, और आसपास जो नो नकाब पहने मास्क पहने लोग, क्योंकि फ्लो इन्फेक्शियस है ना, गाना इन्फेक्शियस है तो है ना वो बीमार हो जाएगा तो ये मास्क पहन लेते। बट इसका ये भी मतलब निकलता है कि लोग नकाब पहने हुए टू फेस पीपल और आसपास सांप है, वो जो सांप है बेसिकली। भागे भाई बोला मैं फ्लो फ्लू स्पिट कर रहा हूँ जैसे कि मैं बीमार हूँ। देखो भाई पूरा मेडिकल हिस्ट्री बता दिए उन लोगों ने, सांप से लेकर इंसानों से लेकर खुद बीमार से होने के लेकर, गाना कितना इन्फेक्शियस से, गाना कितना सिक और मैं कितना स्पिट करता हूँ सिक। नाइस मैन, नाइस द लेयरिंग, द इंटरनल राइम्स, he's intelligent bhai, he's going to be one of the greatest bhai, mark my words. खेलते नहीं है नाम से तान से नहीं बनते टूटे जबड़े मोटी कान से, छू भी नहीं सकते इनकी पहुंच के भारू, आसपास सांप भी सांप पे मैं और ओची मारू, आसपास मास्क नकाब बैं और गाने इन्फेक्शियस फ्लो फ्लू स्पिटिंग सिक जैसे बीमारू, और ये चेज में लगे हैं इनके फेस देखो, डोंट कॉल मी कब बट सीन में हूं इस देखो, नई रफ्तार पर मूव्स हाई पेस देखो, नई पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस, भाई शाउट आउट नई बादशाह वो फिर भी हो रही पानी पानी, डॉलर साइन नहीं but I do like those two Japanese, नाम दिखाई नहीं पर शहर आके देख, तेरी माँ से तो छोड़ तुझे बाप से मिलाता शीशा डिवाइन का जो गाना था चल बॉम्बे, उसे बोला माँ से मिलाता हूँ तो, बट वो ये कर्मा है ना भाई, सीधा बाप से भी मिलाता हूँ, चलो माँ का तो छोड़ दे, बाप से मिलाता हूँ तेरे को मैं
बट बाय होल माफिया मुंडीर को है ना शार्ट आउट दे दिया विद कृष्णा एंड विद डिवाइन ऑल्सो. नाइस भाई नाइस. वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में उसमें एक्सप्लेन नहीं करेगा भाई. नहीं पर शहर आके पानी डॉट नहीं पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस देखो नाम नहीं बादशाह. बट ये हनी सिंह को ना एक उनकी तारीफ नहीं की भाई, उनकी तारीफ करके उनकी मार दी. क्योंकि बच्चे बिगाड़ रहे, उधर चार बोतल वोडका वाला जो सीन हुआ था ना, लोग बहुत उस पर अपोज कर रहे थे कि भाई चार बोतल वोडका बच्चे लोग गा रहे, बट वोडका वाला जो नशा लग गया वो गलत मैसेज जा रहा है ना. केस भी हुआ था हनी सिंह पे, तो वो वाला चीज़ बोला भाई ने. तो इट्स नॉट, वो एक शाउट आउट नहीं है, वो एक है ना याद दिलाना है कि भाई तुमने चीज़ें की है. देखो हनी सिंह नहीं पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस देखो नाम नहीं बादशाह तो फिर भी होरी पानी पानी डॉलर साइन नहीं बट आई टू लाइक दोस टू जापानी डिवाइन नहीं पर शहर आके देख तेरी माँ से तो छोड़ तुझे बाप से मिलाता हूँ शीशा दिखाऊं तुम्हें सांप से मिलाता हूँ घेरते इलाके में राज्य फैलाता. ये शीशा सांप वाला ना मेरे को कुछ याद आ रहा है. एक सेकेंड हाल ही में ना, अरे हाँ हाल ही में ना ड्रेक का कुछ तो रिलीज हुआ था जो अपना सांप लेके है ना शीशे में ऐसा वीडियो निकाला था. पता नहीं वो रियली की क्या है. ये हाल ही में कल हुआ था आई गेस, आज या कल, आई डोंट नो. मतलब ये गाना कल ही लिखा है भाई. इतना क्या बात है भाई, ट्रेंड से अपडेटेड रहते हैं यार. इससे मालूम पड़ता है कि भाई हर चीज़ नोटिस करता है, हर चीज़ उनके जहन में होती है भाई. इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट रैपर भाई. वो जो स्कीम्स कैसे लाना है ना गाना में भाई, सीरियसली बोल रहा कर्मा से सीखना चाहिए भाई. कर्मा ऐसे नहीं बोलता कि ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऐसे नहीं होता भाई. काम लगता है उसमें, चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपके आसपास क्या चल रही है, और वो सारे चीज़ों का अपने गाने में कैसा इंटीग्रेट करना है ना, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट ब्रो. दैट इज़ लाइक इनसेनली इंटेलिजेंट. वाओ मैन वाओ. होरी पानी पानी डॉलर साइन नहीं बट आई टू लाइक दोस टू जापानी नाम डिवाइन नहीं पर शहर आके देख तेरी माँ से तो छोड़ तुझे बाप से मिलाता हूँ शीशा दिखाऊं तुम्हें सांप से मिलाता हूँ घेरते इलाके में राज्य फैलाता रिप्लाई पे डिपेंड मैं इनका भाग्य विधाता अपना घर सिंगल. तो इनके रिप्लाई पे डिपेंड है मैं उनका भाग्य विधाता है ना. रिप्लाई पे डिपेंड करके उनको हाइप मिलती है और व्यूज रीच जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलता है, इसलिए मैं उनका भाग्य भी दाता दिल बड़ा रखता है शहर बड़े ना देहरादून का मेरे कुमकुमों में बड़े नहीं रहते कभी शहर बड़े नहीं रहते बड़े भी कहते झुकते पहाड़ के आगे सब बड़े खड़े नहीं रहते देता है लड़का. अच्छा ऐसे वार्निंग है ब्रो, दिस नॉट अ डिस ट्रैक, दिस इज वार्निंग मैन. भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कर्मा भाई कि ये ड्रॉप करेंगे वो ऐसा गाना, इतना इंटेलिजेंटली कंस्ट्रक्टेड गाना. जो स्कीम लाया ना भाई ने अंदर, जो चीज़ें लाई हैं, जो बातें लाई है ना अंदर, और उसको अपने हिसाब से प्रॉपर बार में फॉर्म करके जो स्पिट करा भाई, और एक तो बीट भी इतना ऑफ स्केल वाला बीट था ना, ऐसे बीट को राइड करना इट्स नॉट एट ऑल इजी भाई. कर्मा भाई हैज डन इट. कर्मा इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट रैपर भाई. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इज वन ऑफ द ग्रेट रैपर्स नाउ वी हैव इन DHH. क्योंकि जिस तरह वो राइमिंग्स करते हैं और जिस तरह वो फ्लो करते हैं भाई, चार काउंट का बीट होता है ना 1 2 3 4, उसमें वो पांच सिलेबल के राइम बिटा देते भाई. इज ट्रूली इंटेलिजेंट, इनसेनली टैलेंटेड भाई, स्किल मैन. अभी मैं इंटेलिजेंट इसीलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डिस करना हो ना तो किसी के पता नहीं, या तो फैमिली या तो मामा चाचा किसी के ऊपर खींच लाते. डिस्ट्रैक्ट में बेसिकली यही होता है, बट ये डिस्ट्रैक्ट नहीं था. बट कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर्स को बीच में ना लाके सीधा उन पे ही जो उन्होंने किया है उन्हीं के ऊपर जो प्रॉपर शॉट लिया है ना भाई, सबसे ज़्यादा तो एक्जी वाला तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर्टी लगा भाई. लोका पे इतना भारी वाला शॉट नहीं लिया बट उसको भी वार्निंग दिया है. इनफैक्ट ये एक्जी वाला भी वार्निंग ही है भाई. अगर वो फुल फ्लेश जाएंगे ना तो भाई यू हैव लिसन यंग गलीच में क्या लिए भाई गालिब की, खतरनाक. और जो बीच बीच में इंटरनल राइमिंग स्कीम, स्लैंट राइम्स है ना, 2 syllable rhyme, 5 syllable rhyme, 6, जितने सिलेबल राइम हो सकते हैं ना भाई अपने गाने में वो डाल देते. ऐसे ही नहीं बोलते किंग ऑफ राइम स्कीम्स. बट अब ये प्रॉपर सब्लिमिनल सॉफ्ट डिस्ट्रैक्ट था,
तो अभी देखते भाई एग्जी या लोका, इन दोनों में से कोई ना कोई तो यू नो रिप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि लोका ने भी चमड़ी चाले वाले गाने में शॉट लिया था और एग्जी का तो पता ही है सब लोग को कि भाई फ्री स्टाइल में भी शॉर्ट्स है और पॉडकास्ट में भी कुछ तो उल्टा सीधा बोला था भाई ने, ऐसा बोला स्टोरी भी रखा था फिर निकाल दिया 10-20 मिनट में ही निकाल दिया। ये जो बैक एंड फोर्थ चल रहा है तो अभी देखते दोनों में से कौन रिप्लाई करता है भाई। अगर ये अभी नया बीफ अगर हो गया तो भाई बहुत मजा आएगा, व्यूज की बारिश होंगी, एंगेजमेंट एंगेजमेंट होगा और जो इतना जो एंटरटेनमेंट मिलेगा ना भाई, मैं इसलिए बोलता हिप हॉप में बीफ का बहुत बड़ा रोल है भाई। ये अगर नहीं है ना तो वो सीन में वो स्पार्क नहीं बना रहता है। अब अपने डीएचएस में एमवी और रफ्तार का सबसे लेजेंडरी बीफ था भाई, उसके बाद एमवी और कृष्णा का है, वो तो चलता रहेगा भाई, सदियों तक चलता रहेगा। बट कितना मजा आता है भाई, सही में बताओ कि नहीं मजा आता है कि नहीं आप लोग को? भले ही लोग बोलते हैं कि भाई क्यों बोल रहे ऐसा, क्यों नहीं कॉल करके, क्यों नहीं, नहीं भाई सीन को आगे लेके जाना है कि नहीं, सीन ऐसे ठंडा रहेगा तो फिर लोग कुछ सुनेंगे नहीं भाई। हिप हॉप को अभी अभी तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे भाई, एज अ जॉनर इसको सीरियसली नहीं लेंगे अभी अभी, तो ये सारी चीज नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा भाई? यही सारी चीजें पार्ट है, कल्चर का पार्ट है भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो चलो मैं अपन देखते हैं आगे क्या रिप्लाई आता है, किसी से एग्जिट आता है या लोका से आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, चलो मैं मिलते ऐसे किसी, खुश रहो मजे करो, दिस इज अन्ना साइनिंग ऑफ, पीस।